तो भाई लोग, न्यू अपडेट के बाद जरूरत होती है नई सेंसिटिविटी सेटिंग्स की, बेस्ट फायर बटन साइज की और कुछ सीक्रेट गेम सेटिंग्स की। लेकिन ये वीडियोस वही देख पाएंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जैसा कि सबके पास डिफरेंट जीबी रैम के फोन होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 जीबी रैम वाले फोन, उनकी डिफरेंट रैम होने की वजह से डिफरेंट सेंसिटिविटी सेटिंग्स भी होती है। इसीलिए जब आप किसी और के डिवाइस की सेंसिटिविटी अपने डिवाइस में लगाते हो तो हेडशॉट्स की जगह ओनली बॉडी शॉट ही पड़ते हैं। और फ्री फायर में टोटल 6 सेंसिटिविटी सेटिंग्स होती हैं, और हेडशॉट्स मारने के लिए ये सारी सेंसिटिविटी सेटिंग्स को आपके डिवाइस के हिसाब से रखना है। और इस वीडियो में 0 सेंसिटिविटी सेटिंग्स भी बताई है, जिसको लगाने से ओनली रेड नंबर्स ही लगेंगे, लेकिन उसको देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। सबसे पहले आती है जनरल सेंसिटिविटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है, क्योंकि इस पे ही डिपेंड होता है कि आपकी स्क्रीन का टच रिस्पांस कितना होगा, मतलब स्क्रीन टच करने के बाद कितना फास्ट मूव करेगी। हेडशॉट मारने के लिए जनरल सेंसिटिविटी सबसे जरूरी होती है। अगर आपकी डिवाइस की रैम 2 या फिर 4 जीबी है तो जनरल सेंसिटिविटी रखनी है 100%, और अगर आपका डिवाइस 6 जीबी वाला है तो सेंसिटिविटी को रखना है 98%। वहीं आपका डिवाइस 8 जीबी रैम वाला है तो सेंसिटिविटी रखनी है 89%। अपने डिवाइस के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड करने का एक सीक्रेट बताता हूँ। अगर आपका एम ड्रैग करने के बाद एनिमी के हेड के ऊपर जाता है तो अपनी सेंसिटिविटी को 2% डिक्रीज कर लो, और अगर ड्रैग करने के बाद एम चेस्ट पे रुक जाए तो 2% सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर लो। ऐसा तब तक करो जब तक आपके डिवाइस के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी ना मिल जाए। रेड डॉट सेंसिटिविटी देखने से पहले टॉप क्रिमिनल इवेंट्स के बारे में जानेंगे। तो फ्री फायर में घोस्ट क्रिमिनल आने वाला है एक रिंग इवेंट में, जो रहेगा 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक, जिसमें घोस्ट क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल आने वाले हैं। और घोस्ट क्रिमिनल का बेस्ट पार्ट मुझे इसका एनिमेशन लगता है, जो ट्रिगर होता है प्लेयर को नॉक एंड एलिमिनेट करने पे। और वहीं अभी 2 इवेंट्स गेम में लाइव है, जो कि है इमोट पार्टी एंड क्रिमिनल रॉयल। इमोट पार्टी में ये इमोट्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये इवेंट 5 दिसंबर तक चलने वाला है। वहीं क्रिमिनल रॉयल में घोस्ट क्रिमिनल वॉल, बैकपैक एंड लूट बॉक्स मिलेगा, और ये इवेंट 25 नवंबर तक ही लाइव है। आपको ये तीनों इवेंट्स में बेस्ट क्या लगा कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है रेड डॉट सेंसिटिविटी। जब गन्स में 2x या 4x नहीं लगा होता है तो स्कोपिंग करने पे ऐसा स्कोप ओपन होता है, जिसको हम बोलते हैं रेड डॉट। और सेटिंग्स में हम लोग इस स्कोप के लिए ही सेंसिटिविटी देखने वाले हैं। तो रेड डॉट एक ऐसा स्कोप है जिसमें रिकॉइल सबसे ज्यादा होता है, और इसकी सेंसिटिविटी 2x और 4x से ज्यादा होती है। तो अगर आपका डिवाइस 2 जीबी या 4 जीबी रैम का है तो सेंसिटिविटी को रखना है 90%, और अगर डिवाइस 6 जीबी या फिर 8 जीबी रैम वाला है तो सेंसिटिविटी को रखना है 88%। नेक्स्ट है 2x सेंसिटिविटी। जब हम लोग 2x स्कोप किसी गन में यूज करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट सेंसिटिविटी रेड डॉट से कुछ कम और 4x से ज्यादा होती है, और प्लेयर्स ये मिस्टेक करते हैं कि 2x और 4x की सेंसिटिविटी को सेम रखते हैं, जिससे 2x पे रिकॉइल होता है, फिर हेडशॉट्स नहीं लगते। 2x स्कोप से जब हम लोग एम करके हेडशॉट के लिए ट्राई करते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि 2x स्कोप से जूम कम होता है और ओपोनेंट साइज में स्मॉल दिखता है। तब ज्यादा सेंसिटिविटी रखने से शॉट्स रिकॉइल होते हैं, जिसकी वजह से हेडशॉट नहीं लगता। इसीलिए आपका डिवाइस 2 जीबी या 4 जीबी वाला है तो 2x की सेंसिटिविटी को रखना है 91%। अगर डिवाइस की रैम 6 जीबी या उससे ज्यादा है तो सेंसिटिविटी को रखना है 87%। नेक्स्ट है 4x सेंसिटिविटी। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज होती है 4x स्कोप में, और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है जिससे 4x स्कोप से हेडशॉट्स नहीं लगते, क्योंकि 4x स्कोप से प्लेयर ज्यादा बड़ा दिखता है स्कोप इन करने पे, जिससे बॉडी शॉट्स ज्यादा लगते हैं और एम को हेड पे ले जाने में सेंसिटिविटी कम रह जाती है। और मोस्टली प्लेयर्स 4x की सेंसिटिविटी को 80-90% के बीच में रखते हैं, जिससे वो ट्रैक करने के बाद भी हेडशॉट्स नहीं मार पाते। 4x की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा रखनी चाहिए, जिससे एम हेड पे लॉक हो सके। तो अगर आपके पास 2, 3 या 4 जीबी रैम का फोन है तो 4x सेंसिटिविटी को रखना है 100%, और वहीं अगर रैम 6 जीबी या 8 जीबी है तो सेंसिटिविटी रहेगी 98%। नेक्स्ट है स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी, जो सिर्फ यूज होती है स्नाइपर्स में। और आप सब ये सोच रहे होंगे कि इसको भी 90% के ऊपर ही रखना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्री फायर में स्नाइपर वर्क करती
करती है फुल कंट्रोल पे, जैसे कि और सारी गन्स डिफॉल्ट एम पे वर्क करती है जिससे एम ऑटोमेटिक प्लेयर पे लॉक हो जाता है, बट स्नाइपर में एम को खुद सेट करके फायर करना होता है। तो स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी अगर ज्यादा होगी तो एम करने में प्रॉब्लम भी ज्यादा होगी, इसीलिए 2, 4, 6 GB रैम वाले प्लेयर्स स्नाइपर सेंसिटिविटी को 60-70% रखेंगे, वहीं 8 GB या उससे ज्यादा रैम वाले डिवाइसेस में 40-50% रखना है। और लास्ट सेंसिटिविटी सेटिंग होने वाली है फ्री लुक, लेकिन सेंसिटिविटी को सेट करने से पहले फ्री लुक बटन को इनेबल करना होगा। वो करने के लिए जाना होगा गेम सेटिंग्स में, फिर कंट्रोल्स में, और फ्री लुक ऑप्शन को ऑन कर देना है। उसके बाद जाना है सेंसिटिविटी में और फ्री लुक सेंसिटिविटी को 0% कर देना है, और ये सेंसिटिविटी सारे डिवाइसेस में सेम रहेगी। और ये फ्री लुक बटन काम आता है एनिमी को स्पॉट करने के लिए, इसीलिए अगर सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो प्लेयर्स को स्पॉट करना टफ हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था जीरो सेंसिटिविटी के बारे में, मैंने अपडेट के बाद जनरल सेंसिटिविटी को 0% पे सेट कर रखा है और मेरे हेडशॉट्स पहले से ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन 0% सेंसिटिविटी सारे डिवाइसेस के लिए नहीं है। अगर आपके पास 12 GB या 16 GB रैम का डिवाइस है तभी आप जनरल सेंसिटिविटी को जीरो करना, अदरवाइज जो सेंसिटिविटी बताई है वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज एरो AK साइनिंग ऑफ राइट नाउ। सी यू फैमिली इन नेक्स्ट।